अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं यूट्यूब के ऊपर सही तरीका बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का। होता यह है कि हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर और वो सही अपलोड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से या तो कोई एरर आ जाता है या फिर उस पर व्यूज़ वगैरह सही से नहीं आते। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपने मोबाइल के ज़रिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो को सही तरीके से अपलोड किस तरह करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये सब बताऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि स्किप कर देते हैं बाद में फिर आप लोग पूछते हैं कि सर हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया, वो स्टेप समझ में नहीं आया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर चीज़ आप लोगों के प्रॉपर समझ में आ सके कि मैं किन किन स्टेप्स पे जा रहा हूँ, क्या क्या काम कर रहा हूँ। वैसे तो ये जो तरीका मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करने का बताने जा रहा हूँ, ये आसान करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो अपनी वीडियो को अपलोड करने में। मगर बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों का कोई स्टेप मिस ना हो और आप लोग प्रॉपर समझ सकें कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वीडियो। क्योंकि गलत तरीके से अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है तो व्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, लोगों के पास वीडियो सही से पहुंचती नहीं है, इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं हमारे। तो ये तरीका जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम मोबाइल के जरिए किस तरह अपलोड करेंगे, ये पूरा प्रॉपर देख लीजिए आप लोग, ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं व्यूज से रिलेटेड, इंप्रेशन से रिलेटेड, ऑडियो रिटेंशन से रिलेटेड, ये आप लोगों को ना फेस करनी पड़े। तो चलें चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आप लोगों को सब कुछ समझाता हूं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग आसानी अपनी वीडियोज को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अपनी मोबाइल स्क्रीन का जो डिस्प्ले है यहाँ पे साइड में मैं वीडियो पर दे दूंगा ताकि आप लोग जो मैं मोबाइल में स्टेप्स करता रहूं आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। देखें यहां पर हम लोग आ चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। जो भी आपका चैनल है सबसे पहले तो आप अपने चैनल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से देखें सबसे ऊपर टॉप पे जो आ रहा है टेक वीडियो रिव्यूज, मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें लिस्ट में जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो तमाम चैनल्स आ जाएंगे। तो जिस चैनल के ऊपर भी आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना है आप उस चैनल को यहां से सेलेक्ट कर लें। तो यहां से हमने अपना चैनल सेलेक्ट कर लिया। चैनल सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नॉर्मल जो YouTube का होता है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस का बटन आ रहा है, हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें कुछ ऑप्शंस हम लोगों के पास आ गए। इसमें सबसे पहले आ रहा है क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो, गो लाइव टुगेदर, क्रिएट अ पोस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करनी है, हमें लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी है अपनी। तो हम क्या करेंगे, नीचे अपलोड अ वीडियो जो आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हम अपलोड अ वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपलोड है वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी गैलरी ओपन हो गई। इसके अंदर से जो भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करनी है सबसे पहले वो वीडियो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने अपनी वीडियो को, जो वीडियो हमें अपलोड करनी है यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद आप यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले ये पूछ रहा है हमारा टाइटल, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे हमारी जो वीडियो का टाइटल है वो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका देखें टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग हैं जो भी आप अपनी वीडियो के अंदर लगाना चाह रहे हैं उसकी पहले से एक नोटपैड फाइल, वर्ड फाइल कोई भी बना के अपने पास रख लें। जैसे कि मैंने रखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, मैंने फाइल बना के रखी हुई है। इसके अंदर जो है टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है और नीचे तमाम टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले अपना जो टाइटल है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे अपने यूट्यूब चैनल के अंदर और यहां टाइटल की जगह पे हम लोग इसको अपने टाइटल को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आप देखें ऐड डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो दोबारा से हम अपने जो पेज है इसके ऊपर जाएंगे, जो वर्ड का पेज है, और यहां से जो हमारी डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा से हम अपने YouTube चैनल के ऊपर आएंगे और डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और जो हमने डिस्क्रिप्शन अपनी कॉपी करी है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बैक आ गए हम लोग। अब आप नीचे देखें विजिबिलिटी आ रहा है, तो इस पर पब्लिक हुआ हुआ है, तो हमने पब्लिक पे इसको नहीं करना, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे और अनलिस्टेड पे हम चेक लगा देंगे। अनलिस्टेड से क्या होगा कि अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, तो अभी हमारी वीडियो को कोई वॉच नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अनलिस्टेड पे चेक लगा के और बैक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें विजिबिलिटी जो है इसकी वो अनलिस्टेड हो गई है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑडियंस के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, इसके ऊपर आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब को बता रहे हैं कि ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपकी लोकेशन आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो लोकेशन आप क्या सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, मैं लोकेशन को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है तो प्लेलिस्ट यहाँ से ऐड कर लें, वरना इसको भी छोड़ दें। उससे लास्ट में आएंगे नीचे अलो ऑल कमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो
चलो ऑल कमेंट्स है इसके ऊपर सबसे ऊपर हम चेक लगा के और बैक कर देंगे ताकि हमारी वीडियो के ऊपर हर कोई कमेंट्स कर सके। अच्छा जी, आप लोगों को थंबनेल का भी बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं एक आइकन आ रहा है इमेज का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। अपनी गैलरी पे से जो भी आपने थंबनेल बना के रखा हुआ है वो थंबनेल सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं एक थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ है। ये हमारा थंबनेल आ गया, ऊपर डन का बटन आ रहा है, जस्ट हम डन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा थंबनेल लग गया है यहाँ पर। अब देखें ये सब काम करने के बाद जो अपलोड का बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो की प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो गई है। वीडियो जो है हमारी अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। जब ये अपलोड हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। जैसे ही आपकी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी आपने क्या करना है, YT स्टूडियो की एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। ये मैं YT स्टूडियो की एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ये देखें एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो गई। इसके बाद इसमें कंटेंट्स के अंदर आ जाएंगे। अब देखें जो वीडियो हमने यहाँ पे अभी अपलोड करी है वो सबसे ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद एडिट का एक बटन आ रहा है, एडिट वीडियो पे क्लिक करेंगे। एडिट वीडियो पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप सबसे नीचे देख सकते हैं टैग्स। तो जो टैग्स का सेक्शन है इसके अंदर अब हम अपनी वीडियो के टैग्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं अपनी वर्ड की फाइल के अंदर और ये जो नीचे जितने भी आप देख रहे हैं हमने टैग्स मैंने बना के रखे हुए हैं, आप लोगों ने भी जो टैग बना के रखे हुए हैं वो टैग्स यहाँ से कॉपी करिएगा। यहाँ से हम अपने टैग्स को कॉपी करते हैं वन बाय वन करके, एक एक टैग जो है आप यहाँ से कॉपी कर लिएगा। मैं एक टैग कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये मैंने देखें जहाँ कॉमा लगा यहाँ तक एक टैग कॉपी कर लिया। वापस आते हैं अपने YT स्टूडियो पे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये देखें ठीक है, एक टैग पेस्ट हो गया। इसी तरह जितने भी आपके टैग्स हैं वो वन बाय वन कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं कैटेगरी, जो भी आपके चैनल की कैटेगरी है देखें इस पर क्लिक करें। कैटेगरी के ऊपर आपके चैनल की कॉमेडी कैटेगरी है, ऑटोज है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म एंड एनिमेशन है, जो भी आपके चैनल की कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम बैक पे क्लिक कर देंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद ये देखें जो ये विजिबिलिटी आ रही है अभी यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जो वीडियो हमने अभी अपलोड करी है YouTube उसको चेक कर रहा है। तो चेक करने में वो 10-15 मिनट लेता है। YouTube उसके कंटेंट्स वगैरह को चेक करता है कि उसमें कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है या किसी और तरह का तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अभी ये पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। 10-15 मिनट बाद यहाँ पे जो है ये अनलिस्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे सेलेक्ट करा था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब अनलिस्टेड लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पब्लिक पे क्लिक करके और इसको सेव कर देंगे। तो जब आप पब्लिक के ऊपर करके सेव करेंगे तो आपकी वीडियो पब्लिक हो जाएगी और YouTube पे शेयर हो जाएगी। तो आप लोगों को ये YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करने की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया।